हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज अपन जो रिपेयरिंग की जो बात करने जा रहे हैं वो कैनन लाइट स्कैनर है 110, जिसको अपन चेक करेंगे और इसमें डायग्नोस करेंगे इसमें प्रॉब्लम किस किस चीज़ की आ रही है। तो सबसे पहले अपन इसको चेक करेंगे कि ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। यूएसबी पोर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, इसकी केबल होती है, यूएसबी केबल होती है। जो पुराने चार्जर आपने देखे होंगे उस टाइप के पुराने चार्जरों में भी आती थी। और ये देखिए, इसको पहले अपने यूएसबी पोर्ट है यहाँ पर, इसको अपने यहाँ पे कनेक्ट किया और ये अपन इसको चेक करेंगे तो इसका कैनन स्कैनर आ चुका है। ठीक है, इसको अपन यहाँ भी देख सकते हैं, माय कंप्यूटर मैनेजमेंट जाके डिवाइस मैनेजमेंट जाके इमेजिंग डिवाइस के नाम से यहाँ क्लिक करेंगे तो कैनन स्कैनर 11 लाइट आ गया है। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं इसको, स्कैनर को, कैनन स्कैनर है इसको अपन। डिटेक्टिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, डिटेक्टिंग तो हो रहा है यानी, और देखते हैं इसमें आगे चल के क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट स्कैन गए और इसको जूम भी कर लिया करो यहाँ से, ठीक है कभी भी। तो अपन इसको यहाँ से गए और ये देखिए, आप देख सकते हो एक पेज है मेरे पास, इसमें कुछ लिखा हुआ है और इसको स्कैन करने के पहले कोशिश करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ रखा इसको और अपन फोटोज पे जाके डॉक्यूमेंट्स किया और यहाँ पर कलर किया और यहाँ पर अपन प्यू करते हैं इसको, फिर चेक करेंगे इसमें कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इसमें। तो अपन देखो ये देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम जो है इसमें वो है ब्लैक स्कैनिंग प्रॉब्लम। ब्लैक स्कैनिंग प्रॉब्लम दो तरीके से प्रॉब्लम आती है, एक लॉजिक कार्ड से भी होती है और एक इसकी ट्रेलिंग केबल होती है उससे प्रॉब्लम भी आती है। स्कैनिंग यूनिट भी होती है, स्कैनिंग यूनिट कम चांस होते हैं, केबल के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं कि वो केबल से प्रॉब्लम हो। तो अब इसको ओपन करना पड़ेगा अपन को। आइए अपन ओपन करते हैं इसको, यहाँ से डिसकनेक्ट किया इसको और अभी अपन ओपन करते हैं इसको। ये अपन जो बात कर रहे हैं वो कैनन स्कैनर लाइट 110 की अपन बात कर रहे हैं। इसमें है ब्लैक स्कैनिंग प्रॉब्लम, जो आप देख रहे होंगे इसके डेस्कटॉप स्क्रीन पे, इसमें ब्लैक पूरा ब्लैक आ रहा है। तो सबसे पहले अपन इसको ओपन करेंगे, इसके दो ये वो अपने यहाँ से ओपन करेंगे, इनको दोनों ओपन किए और इसको ओपन, इसका कहाँ इसका मिरर होता है, इसका मिरर चेक किया और आप मिरर में देखेंगे थोड़ा सा गंदा है तो इसको साफ़ कर देते हैं इसको। बाकी अच्छा स्कैनर है, वर्किंग अच्छी है इसकी। और आप देखते होंगे स्कैनर जो होता है इसकी जो वाइट ये होती है, इसको कभी भी रिमूव नहीं करें क्योंकि जो इसका इंसलाइज जो होता है, जो स्कैनर ये इंसलाइज होता है, जो स्कैनिंग होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। इससे अगर अपन इसको कुछ भी छेड़ देंगे तो ये इंसलाइज नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम उनको क्रिएट कर देगा। तो आगे देखते हैं इसमें, सबसे पहले अपन इसको इसकी इसको देखेंगे अपन यहाँ से, इसकी केबल कनेक्ट रहती है ये इसमें मेन जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, आप अपन चेक कर रहे होंगे, ये ट्रेलिंग केबल होती है। जब इसको देखेंगे, देखेंगे हल्का सा ये दाग भी है इसमें, थोड़ा जूम करो इसको हल्का सा, ये देखेंगे अपन इसमें, देखिए ये हल्का सा ये कट भी होता है, इससे प्रॉब्लम भी आती है। और ये काफ़ी अच्छा स्कैनर होता है इसका, जो ये होता है ये इसका मूविंग का होता है, ये इसका मोटर से कनेक्ट होता है इसका। और अपन इसको चेक करते हैं, सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं अपन, इसको ओपन किया अपन ने, ओपन करने से पहले इसको देख लेते हैं, इसको ओपन किया अभी इसको, ये आइए अपन इसको चेक करते हैं, ये इसका ये ट्रेलिंग केबल होती है। इसको अपन बाय मल्टीमीटर भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, इसकी स्कैनिंग यूनिट यहाँ ये है, इसको यहाँ से निकाल लेते हैं इसका, ये बहुत आसान तरीका है निकालने का, इसका आसान तरीका है निकालने का। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये इसके स्कैनिंग यूनिट है। ये अब चेक कर लेंगे यहाँ से भी, क्लीन कर लें हैं क्योंकि डस्टिंग से प्रॉब्लम से भी प्रॉब्लम आती है। वैसे मैक्सिमम इसका केबल का इशू भी रहता है, तो अपन इसको यहाँ से इसको तो अपन इसको निकाल पूरी निकाल लेते हैं, चेक करते हैं इसको, निकालने के बाद भी इसको चेक कर लेंगे और इसकी देखेंगे, इसके रिफिक्स कर लें सबसे पहले, ये केबल निकाल के रिफिक्स भी कर सकते हैं, हो सकता है ये रिफिक्स से इसकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए। ये देखिए बहुत आसान तरीका है रिपेयरिंग का, बस मैंने जो फर्स्ट वीडियो में बताया आपको कि एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को ओपन करना और उसको रिपेयर करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको नॉलेज नहीं होती रिपेयरिंग वो पार्ट ओपन कर लेते हैं, तो
तो उससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम उसमें हो जाती हैं, तो फिर वो चेंज ही करना पड़ता है, कार्ड ही रिप्लेसमेंट होता है। अभी मैंने सिर्फ इसको रिफिक्स करके देखा है, केबल को ओनली रिफिक्स किया है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है इसको। आप देखिए इसको अपन बंद कर लेते हैं प्रॉपर वर्किंग इसके साथ, ये देखिए बढ़िया इसको पैक कर लेते हैं, पैक करने के साथ इसको चेक कर लेंगे। ये अपन ने इसको फिक्स कर लिया है, फिर इसको अपन कनेक्ट करते हैं यहाँ से। ये देखिए ये यूएसबी पोर्ट है, ये अपन रिफिक्स कर लेते हैं इसको, यहाँ पे कनेक्ट किया अपन ने, स्कैन आ गया है ठीक है। फिर अपन इसको स्कैन ले लेते हैं, फिर अपन इसको ये देखिए इसको पेज को स्कैन करते हैं इससे, यहाँ गई और स्कैन किया इसको। यहाँ अपन ने प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट्स ले लिया और ये रहने दो, और यहाँ पे कलर अपन ले सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हैं, तो अपन इसको कलर लेते हैं, कलर पे चेक करके प्रीव्यू करके देखते हैं कि इसमें क्या होगा। आप देखेंगे दोस्तों जो अपन ने ये प्रॉब्लम मैंने आपको बोला था कि जरूरी नहीं होता कि केवल प्रॉब्लम हो, ये आप चेक कर देख रहे होंगे कि इसकी प्रॉब्लम कुछ कुछ हद तक जो प्रॉब्लम इसकी ख़त्म हो गई है, और एक बार और स्कैन करके चेक कर लेते हैं अपन इसको। तो ये अधिकतर जो प्रॉब्लम रहती है वो इसकी स्कैन की ही इस केबल की भी रहती है, अपन चेक करेंगे इसको, अपन एक रजिस्टर रख लेते हैं वो भी अच्छा, फिर प्रीव्यू करके देखते हैं। और ये इसकी अभी आपने देखा होगा कि इसमें कुछ ऊपर की जो लाइंस हैं ये देखेंगे, ये कुछ कलर आ रहा है, बाकी पूरा ब्लैक है। तो इसका जो मैंने आपको बताया है कि इसकी ट्रेलिंग केबल का ही वो प्रॉब्लम है, तो फिर इसका ट्रेलिंग केबल चेंज करेंगे और ये वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, या तो फिर इसकी केबल चेंज करेंगे अपन फाइनल, या तो फिर इसको एक और रिफिक्स करके देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम इसकी बहुत आसानी से इसको रिफिक्स कर सकते हैं। ये देखेंगे कि ये वर्किंग हो गया है, जो मैंने आपसे बोला था कि ये सिर्फ केवल रिफिक्स करने से इसकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो सकती है। तो आप देखते हैं, देखें आप, अभी इसमें हाफ ब्लैक और हाफ स्कैन हो रहा था, मैंने इसको सेकंड टाइम इसको ओपन किया और सभी केबल को रिफिक्स किया, एक बार क्लीन करके रिफिक्स किया, तो ये बिल्कुल वर्किंग हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल वर्किंग हो गया है, अच्छा एक नंबर काम कर रहा है। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने करें, और आगे भी हम बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो डालेंगे जो हम जिस पे काम करते हैं, सर्वर के मदरबोर्ड होंगे और TFTs होंगी, और हम कुछ पावर सप्लाई और लेके आएंगे डेस्कटॉप की, सर्वर की, और तो काफ़ी अभी कोशिश हमने करेंगे कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम आ रही है और आपकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर पाएँ। और थैंक यू दोस्तों।